सूत्रों के हवाले से इस वक्त की अहम खबर मिल रही है, 12वीं बोर्ड परीक्षा को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बड़ी बैठक है, पीएम की अध्यक्षता में शाम को ये बैठक होनी है। नमस्कार दोस्तों, आज की इस ब्रेकिंग में आप सभी छात्र छात्राओं का बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। जी हां दोस्तों, आप सभी को बता दें, आप चाहे भारत के किसी भी राज्य से हैं, ये 2023 में बोर्ड परीक्षा अगर आप देने वाले हैं तो छात्रों ये आपके लिए बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ गई है। बोर्ड परीक्षा 2023 को लेकर सरकार और शिक्षा मंत्रालय ने अचानक एक और बड़ा ऐलान कर दिया है। यदि आप भी इस बार बोर्ड परीक्षा 2023 में शामिल वाले छात्र या छात्रा है तो आप तमाम छात्रों से जुड़ी ये बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जिसे संपूर्ण जानकारी और अपडेट आपको हम इस वीडियो के देने वाले हैं। इस साथ ही ये भी बताएंगे इस बार जो आपका पेपर है वो किस तरह से बनने वाला है और कहां से कितना नंबर आएगा। इसके अलावा सरकार ने आपके प्रश्नों को लेकर बहुत बड़ा ऐलान कर दिया दोस्तों, तो वीडियो के एंड तक जरूर देखें। अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कमेंट सेक्शन में अपने राज्य का नाम, बोर्ड का नाम जरूर लिखें, जिससे आपके बोर्ड में जब भी कोई लेटेस्ट न्यूज आए तो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। जी हां दोस्तों, आप सभी को बता दें कि बोर्ड की परीक्षा को लेकर सरकार की तरफ से बहुत ही अहम बदलाव किए जा रहे हैं। इस बीच कल सरकार की तरफ से एक हाई लेवल मीटिंग आयोजित की गई थी बोर्ड की परीक्षा 2023 को लेकर, जिसमें सरकार और शिक्षा मंत्रालय के सभी अधिकारी शामिल होते हुए बोर्ड परीक्षा को लेकर कई सारे अहम बदलाव करने के लिए घोषणा कर दी, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण सबसे बड़ा बदलाव इस वक्त किया गया है कि सरकार ने कहा है कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न है जिनकी संख्या ज्यादा होगी और आपके जो बड़े क्वेश्चन होते हैं उनकी संख्या बहुत ही कम कर दिए गए हैं। यानी जो कि आपके क्वेश्चन पेपर आने वाले हैं इस बार, जो छोटे क्वेश्चन सॉल्व टाइप के क्वेश्चन है वो इस बार ज्यादा आएंगे और सरकार की तरफ से सबसे बड़ा ऐलान कर दिया गया है। भारत के सभी राज्यों के बोर्डों को लेकर ये किया गया है। और इसके अलावा सरकार ने यह भी कहा है कि आप सभी के जो टेस्ट हुए थे, जो प्री बोर्ड एग्जाम हुए थे, उनके आधार पर ही आपका पेपर बनेगा, इसलिए आपको घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। यदि आपके सिलेबस की जो कोडिंग है उसके अलावा भी अगर कोई क्वेश्चन है तो उसका आपको बोनस भी दिया जाएगा। ये सरकार की तरफ से सबसे बड़ा ऐलान हो चुका है। फिलहाल ये सबसे बड़े ऐलान हुए हैं, इसमें आपको कौन सा बदलाव सबसे अच्छा लगा कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं और बोर्ड से जुड़ी लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले पाने और देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।